As for me, Avishrek, I am Dr. Babul Bansing, and I am a surgical oncologist working at AIMS New Delhi. So basically, I do cell surgery for cancer patients. Okay. And and Dr. Bansal, uh, why don't we begin with defining cancer? Hota kya hai? Kya ham uh, jaan sakte hain cancer ke baare mein aap Sure, sure. तो कैंसर को अगर डिफाइन करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के सेल्स अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ने लग जाते हैं देखो अभिषेक हमारे शरीर में are millions of cells. और ये सेल्स कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हैं रीजनरेट करते हैं एंड दिस इज अ वेरी हाई फर्टिलिटी प्रोसेस मगर फिर भी इस प्रोसेस में एरर्स हो जाते हैं इन एरर्स को हम म्यूटेशन कहते हैं एंड थैंकफुली मोस्ट ऑफ दि म्यूटेशन आर हार्मलेस बट इन अ रेयर इंस्टेंस ये म्यूटेशन हमारे सेल्स को ऐसी पावर्स दे देते हैं जिससे कि ये सेल्स अनरेगुलेटेड तरीके से अनचेक तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं

थैंक यू तो ये बताइए डॉक्टर बंसल पिछले एक दशक से या थोड़ा और पहले से हम देख रहे हैं कि कैंसर के इंसिडेंट्स अब कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहे हैं क्या ये एक भ्रम है या इसमें कुछ सच्चाई भी है इसके बारे में कुछ बताइए हाँ अभिषेक कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने के तीन मेन कारण हैं एक है लाइफ दूसरा है रीच और तीसरा है टेक्नोलॉजी हमारी आज की जनरेशन का लाइफ हमारे पूर्वजों की लाइफ से काफ़ी अलग है पहले लोग भुखमरी से मरते थे आज लोग मोटापे से मरते हैं पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है लोग सिगरेट और अल्कोहल का सेवन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं पहले के मुकाबले पहले लोग पैदल चलते थे और अब लोग गाड़ियाँ और हवाई जहाज में चलते हैं पहले ऑर्गेनिक खाते थे अब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से भरा हुआ खाते हैं तो ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है 1960 में हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पैंतालीस साल थी और आज 70 साल है और जैसा कि हम जानते हैं बढ़ती उम्र में कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है तो इसलिए ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण भी कैंसर के इंसिडेंस बढ़ गए हैं और तीसरा टेक्नोलॉजी पहले लोगों को कैंसर होता था मगर पता नहीं चलता था और अब पता चल जाता है

अब गाड़ी तेज चलाना जो है वो हम रिस्क फैक्टर्स कैसे जी रिस्क फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं मॉडिफाइबल जिन जो की हमारे कंट्रोल में है जिनको कि हम बदल सकते हैं और नॉन मॉडिफाइबल एज द नेम सजेस्ट जिनको कि हम बदल तो नहीं सकते सो so, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मेनली लाइफ से रिलेटेड होते हैं इसमें से सबसे मेजर कारण है सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको का कंजन जी अभिषेक

और मॉडिफाइबल रिस्फैक्टर्स हैं कुछ वायरसेस के कारण भी कैंसर हो सकता है और ये ज़्यादातर वायरसेस सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस जिसके कारण लिवर कैंसर होता है एच जिसके कारण बहुत सारे खून के कैंसर होते हैं और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है इन्वायमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन और रेडिएशन एक्सपोजर जी इसके अलावा नॉन मोडिफाइबल रिस्फैक्टर्स की बात करें तो ये और रिस्फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे कि एज बढ़ती उम्र के साथ कैंसर ज्यादा होता है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते जी जेंडर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होता है जी जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंसर म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडमली होते हैं मगर कभी कभी ये म्यूटेशन हमारी कोशिकाओं में हमारे सेल्स में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं जी इनको हम जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स कहते हैं जी तो डॉक्टर साहब इन फैक्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है तो अभिषेक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये बात आप मानोगे और ये बात कैंसर से अच्छी किसी भी बीमारी पे लागू नहीं होती अब कैंसर के प्रवेंशन के तीन चरण होते हैं तीन फेज होते हैं पहला है प्राइमोडियल प्रिवेंशन इस फेज का लक्ष्य ये होता है कि हम कैंसर के कारणों को उत्पन्न ही ना होने दें जैसे कि अगर हम बच्चों को स्कूल में ही इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताएं तो शायद वो इस बात को समझें और रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करें मूवी थिएटर्स में आपने देखा होगा कि विज्ञापन आते हैं सिगरेट के कारण कैंसर होता है जी ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन का ही उदाहरण ये एजुकेशन का ही उदाहरण जी दूसरा है प्राइमरी प्रिवेंशन इस फेज का गोल होता है कि अगर हम रिस्ट्रैक्टर से एक्सपोज हो भी गए हैं तो उसको रिवर्स करें जैसे कि अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसे बंद करें कोई सिलेंट्री लाइफ जी रहा है तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाए कोई पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रह रहा है तो पॉल्यूशन कम किया जाए वैक्सीनेशन अगेंस्ट वायरल डिजीज ही प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट है जी और तीसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन इस फेज का गोल होता है कि आपको अगर कैंसर हो गया है तो उसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें क्योंकि जितना अर्ली स्टेज में हम कैंसर डिटेक्ट करेंगे उसके ठीक होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं और इन मेथड्स को हम स्क्रीनिंग कहते हैं जी इसके बारे में और आगे जानेंगे आ, आपने कुछ लाइफ चेंजेस के बारे में कहा उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे बट एक इम्पॉर्टेंट फेस आपने बताया स्मोकिंग और आपने पहले भी मैंशन किया कि फिफ्टीन टू थर्टी टाइम्स ज्यादा रिस्कियर है फॉर स्मोकर्स दे आर मोर प्रोन टू गेट कैंसर सेल्स देन अदरवाइज तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग की ये जो एडिक्शन है या लत है इसको कैसे क्विट किया जा है ये सब तम्बाकू या सिगरेट में जो तम्बाकू होता है उसमें एक तत्व होता है जिसको कि हम निकोटीन कहते हैं जी हाँ। और ये बहुत ही एडिक्टिव होता है और इसकी एक बार आदत लग जाए तो इसको छोड़ना मैं नामुमकिन तो नहीं बोलूँगा लेकिन मुश्किल होता है जी आ, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कभी हम इसका सेवन ही ना करें कभी हमें इसे लत ही ना लगे और अगर आदत लग भी गई है और छोड़ना मुश्किल हो रहा है विल पावर के जरूर तो जरिए छोड़ना मुश्किल हो रहा है तो आपको किसी टोबैको सेसेशन एक्सपर्ट से मिलना चाहिए जो कि फार्मेकोलॉजिकल मेथड से आपको इसको स्टॉप करने में मदद करे अच्छा और आपने लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया तो क्या बता सकते हैं कि क्या कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस हैं जिनसे कि हम कैंसर से बच सकते हैं अभिषेक लाइफ लाइफस्टाइल और अनहेल्थी डाइट बीमारियों को न्योता देने जैसा है जी, आ, ये कैंसर ही नहीं बहुत सारी और बीमारियां जैसे कि डायबिटीज हाइपरटें हार्ट अटैक लकवा मार जाना या स्ट्रोक होना इन सब इन का कारण है इसलिए हमें रोज एक घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर कोई भी एक्टिव स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और okay. हमें इसके साथ साथ एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जंक फूड और कैलोरीज को अवॉइड करना चाहिए जी डॉक्टर साहब कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के कुछ साइंस बताइए अभिषेक कैंसर हम जितना जल्दी डिटेक्ट कर लें उसके ठीक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं जी तो दिस इज अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस आई शुड से ये दो तरीके से हम कर सकते हैं पहला ये है कि हम कैंसर के सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करें और अपने डॉक्टर से मिलें और दूसरा है स्क्रीनिंग जो कि कॉमन कैंसर के लिए किया जाता है जी तो सर कुछ सिम्टम्स के बारे में प्लीज बताइए कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको अगर कोई नोट करे तो आइडेंटिफाई जल्दी कर सकता है अर्ली डिटेक्ट कर सकता है तो कैंसर कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता है मगर ये सिम्टम्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये अगर हमें है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये कैंसर के पॉइंटर्स हो सकते हैं पहला है अनएक्सप्लेंड वेट लॉस अगर पिछले तीन महीने में आपका दस परसेंट से ज़्यादा वेट लॉस हुआ है या फिर आपके कपड़े ढीले हो गए हैं और ये इंटेंशनल नहीं है तो दिस कैन बी अ पॉइंटर टुवर्ड्स कैंसर अगर आप बहुत ज्यादा थकान हो रही है आपको आप घर में बैठे हुए हैं कोई आप काम नहीं कर रहे फिर भी थका, थका थका लग रहा है तो ये एक पॉइंटर हो सकता है अगर आपके बॉडी में कोई लंप है या कोई नॉन हीलिंग अल्सर है जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बॉडी में कोई पोड़ा है जब कोई ऐसा घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा और समय के साथ बढ़ते जा रहा है तो यू शुड मीट योर डॉक्टर अगर आपको कोई पेन है जो कि इंट्रैक्टेबल है ठीक नहीं हो रहा बढ़ता जा रहा है डीप सीटेड है कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है तो यू शुड थिंक अबाउट इट अगर आपको बॉडी की किसी भी ऑरिफाइज से ब्लीडिंग हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है कफ में ब्लीडिंग हो रहा है नाक से आ रहा है पेशाब के रास्ते आ रहा है बच्चेदानी के रास्ते आ रहा है मल के रास्ते आ रहा है उसका कोई क्लियर कॉज नहीं है यू शुड आई वुड से इमीजिएटली सी योर डॉक्टर चेंज इन बॉबल हैबिट्स निकलने में दिक्कत होना खाना निकलने में दिक्कत होना बार बार उल्टियाँ आना कॉन्स्टिपेशन होना या इवन कई बार स्टूल्स हो जाना या डायरिया होना दिस शुड यू नो एलर्ट अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है आपका पेट फूल रहा है उसमें पानी भर रहा है आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है ये सब भी आपको थोड़ा सचेत कर, करना चाहिए और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए तो अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी को होते हैं और वो अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो पहला स्टेप आई थिंक कैंसर की स्क्रीनिंग होता है वो थोड़ा बताइए क्योंकि उसको लेके बड़े इनहेबिशन लोगों में होते हैं कई तरह के डर होते हैं तो कैंसर स्क्रीनिंग क्या प्रोसेस को थोड़ा प्लीज हमें समझाइए देखिए कैंसर स्क्रीनिंग का एम होता है टू डिटेक्ट कैंसर बिफोर ऑफ सिम्टम्स अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है ना बट अगर आप कैंसर पहले डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसके अर्ली फेज में डिटेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कैंसर स्क्रीनिंग उन कैंसर के लिए किया जाता है जो कि आपके पॉपुलेशन में कॉमन है और ईजली डिटेक्टेबल है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और टू ईयरली मेमोग्राम हम रिकमेंड करते हैं चालीस साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जी सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर और कॉल्पोस्कोपी पच्चीस साल से साठ साल की महिलाओं को हर तीसरे साल करवाना चाहिए जी जो लोग तम्बाकू चबाते हैं

कैंसर के डायग्नोसिस के बारे भी में बताइए ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखो आप अगर आपको कैंसर का शक है तो आपको कैंसर के सर्टिफाइड डॉक्टर जिनको कि ऑनकोलॉजिस्ट कहते हैं उनसे मिलना जी जी ये डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट ले, जैसे कि सी स्कैन पेट सी स्कैन करवाते हैं और बायोप्सी जे जरिए कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायोप्सी क्योंकि जी यू नो कैंसर के ट्रीटमेंट के हज़ार तरीके होते हैं कैंसर जो आपको है वो किस प्रकार का है ये हमें बायोप्सी से पता चलता है और इसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट किया जाता है जी बायोप्सी से रिलेटेड कई मिथ्स जुड़े हुए हैं कई तरह के डर और एमेशन जुड़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए लोग बहुत डरते हैं बायोप्सी से अभिषेक दिस इजेप्स द बिगेस्ट मिसकनसेप्शन रिगार्डिंग कैंसर एंड माय आंसर टू दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बायोप्सी कराने से कैंसर नहीं फैलता है मगर ये बायोप्सी किसी ऑनकोलॉजिस्ट के द्वारा करी जानी चाहिए और बायोप्सी के अपने बहुत सारे फायदे हैं वन दिस इज दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ कैंसर देखिए इमेजिंग से आप हमेशा एक इंडिकेशन होता है कि ये कैंसर हो सकता है जी बट अगर बायोप्सी ने बोल दिया कि ये कैंसर है तो ये हंड्रेड परसेंट सही बात होती है और दूसरा कि हमें कि हमें पता चलता है ये किस कि तरीके का कैंसर है और जिसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट टेलर कर सकते हैं तो डॉक्टर बंसल हमें कैंसर की स्टेजेस के बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि किस स्टेज से कैंसर रिवर्सिबल हो सकता है यह सब हर कैंसर की स्टेजेस अलग अलग होती है मगर अगर ब्रॉडली बात की जाए तो कैंसर की चार चार्टे होती हैं दैट इज स्टेज 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 टू इज द अर्लीस्ट स्टेज और इसमें बीमारी यूजली रिवर्सिबल होती है और स्टेज फोर इज द लास्ट स्टेज और इस स्टेज में बीमारी फैल चुकी होती है और यूजली रिवर्सिबल होती है जनरल स्टेज वन टू स्टेज थ्री आर पोटेंशियली एंड स्टेज फोर इज नॉन क्योरेबल ऑल दो देर एक्सेप्शन एक वास्ट सम ऑफ समिजीजे है

एक स्पेशल मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं और इस मीटिंग को हम लोग ट्यूमर बोर्ड या डीएमजी कहते हैं जी कीमोथेरेपी जो होता है वो मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट देता है सर्जरी सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट करता है और रेडिएशन रेडिएशन आंकोलॉजिट देता है इन तीन मोडालिटीज के अलावा एक और मोडालिटी है जिसको कि हम पेलेटिव केयर कहते हैं और पैलेटिव केयर का गोल होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कहता पेशेंट जो बाकी तीनों मोडालिटी है दे मेनली फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाइफ या लेंथ ऑफ लाइफ मगर mm -hmm. का जो फोकस होता है क्वालिटी सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट हैं और आपने बताया कि सर्जिकल ऑनकोलॉजी भी एक मोडलिटी uh, है क्या सर्जरी सेफ होती है एंड अगेन इसको लेकर भी बहुत सारे इनबेशन लोगों के मन में होते हैं तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी जरूरत अभिषेक वॉट डू यू थिंक इज सेफर ट्रैवलिंग बाय कार और ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन आंसर दिस डेटा ऑफ एक्सीडेंट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आई थिंक एयरप्लेन इज द सेफेस्ट सबसे कम एक्सीडेंट एयरप्लेन के ही देखते हैं कार एक्सीडेंट तो हर रोज के हिसाब से आते हैं तो पेल्पिटेशन जरूर होते हो राइट right? जी जी ऐसा माना जाता <laughs> है मोर फ्यू डेवलप तो सर्जरी भी ना एक हवाई जहाज पे ट्रेवल करने के समान है इट इज दैंसर ट्रीटमेंट द मोटेलिटी रेट्स आर वेल बिलो वन एंड ग्रेट थ्री एंड फोर कॉम्प्लीस बिलो फाइवेंट फॉर मेजोरिटी सो सर्जरी डरने की जरूरत नहीं है, of of सब, आ, आ, है कैंसर का और इसमें कुछ एडवांसमेंट्स भी अभी रिसेंटली हुए हैं क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या कुछ साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के हो सकते हैं अभिषेक कीमोथेरेपी का मतलब होता है दवाइयों के माध्यम से कैंसर का इलाज करना जी आ, इसका गोल होता है कि ये पूरे शरीर में जो हमारे कैंसर के सेल्स हैं जो फैले हुए सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और न्यूट्रलाइज करें मगर दिस इज नॉट अ हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव प्रोसेस और कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी इफेक्ट करती है एंड दिस टू साइड इफेक्ट अब कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये नोजिया वॉमिटिंग हेयर फॉल मुंह में छाले, इन्फेक्शन होना थकान होना टायर्डनेस रहना थके थके रहना लॉस ऑफ हैबिटाइट खाने भूख भूख मर जाना hmm. अनीमिया होना ब्लीडिंग होना कुछ हाथ पैर में पिंस एंड नीडल्स टाइप सेंसेशन होना ये hmm. कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम बट दीज आर कॉमन साइड एक फ्रेज कैंसर के परिपेक्ष में हम बहुत कॉमनली सुनते हैं जो है पर्सनलाइज मेडिसिन ये क्या होता है और क्या कीमोथेरेपी के साथ इसको लिया जा सकता है अभिषेक मेडिसिन इज अ मोर एडवांस फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी जी तो so, पहले कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल होता था अब जी हर कैंसर के कीमोथेरेपी के दो या तीन ऑप्शन होते थे, थे जैसे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक, दो रेजिमेंट होते थे जैसे कि सी ए एफ या ए प्लस टी रेजिमेंट जी बट एडवांस इन साइंस हमें पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर भी सौ तरीके के होते हैं okay. बल्कि हर पेशेंट का कैंसर दूसरे से अलग होता है तो इसलिए no हिसाब के, के से ट्रीटमेंट mm स्ट्रक्चर -hmm. किया जाता है और इसे हम पर्सनलाइज मेडिसिन कहते हैं तो जो पर्सनलाइज मेडिसिन है दिस इज डन य

रेडिएशन जो है उन सेल्स पे ज्यादा अफेक्ट करता है जो तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं या फिर जिनका डी एन ए डिफेक्टिव होता है बट दे अफेक्ट द नॉर्मल सेल्स एंड दिस एज अ साइड इफेक्ट इन द लास्ट ऑफ एन एडवासमेंट बीन टू रिड्यूज साइड पहले कोबाल्ट की मशीन होती थी अब ये पूरे ऑर्गन को और रेडिएशन से नला देती थी फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो पूरी चेस्ट को रेडिएशन मिलता था जी जिससे कि लोबलंग और हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी रेडिएशन मिलता होता है और बाद में जाके तो अपने साइड इफेक्ट होते हैं जी हाँ बट इन द लास्ट फ्यू फ्यूट न्यू मशीन जो कि रेडिएशन बीम्स को ऐसे वोल्ड करती हैं जिससे कि बाकी ऑर्गन्स पे ज्यादा रेडिएशन ना जाए फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट कैंसर का के केस में अगर रेडिएशन हमें देना है जी तो वो ब्रेस्ट को ही जाए और हार्ट और लंग को ना जाए तो मेजर आई से एडवासमेंट आईवान

आयुर्वेदिक, आयुष ट्रीटमेंट्स और इस, इस तरह के जो दूसरे आ, उपचार के तरीके होते हैं उनसे रिलेटेडा योगा एंड होमियोपैथ जी बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर इज नॉट समुडेड अगर हम अपनी ओपीडी की ही बात करें जी तो जिसमें की पेशेंट्स अर्ली स्टेज में डायग्नोज होने के बाद किसी बाबा वगैरह के पास चले जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं

डॉक्टर साहब एक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कैंसर के डायग्नोसिस को लेके जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में क्या आप बता सकते हैं कि क्या होता है और क्या इसके कोई लिमिटेशंस होते हैं अभिषेक मतलब कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है मत... सो ये एक रैंडम प्रोसेस है मगर मतलब कभी कभी जो म्यूटेशन होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं जी ऐसे केसेस में वी सी अ क्लस्टरिंग ऑफ कैंसर इन अ फैमिली फॉर एग्जांपल अगर आपको यंग एज में कैंसर हुआ है या फिर आपके अलावा आपकी फैमिली में और लोगों को भी कैंसर हुआ है तो ये जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं mm -hmm. ऐसे पेशेंट्स में हम हाँ, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और अगर कोई जीन पॉजिटिव आता है तो जो जीन से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं और इसको फॉलो करके हम आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को उस जीन से रिलेटेड जो कैंसर हैं वो ना हो या फिर अगर हो तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें ये हमारा गोल होता है जी डॉक्टर तो साहब कैंसर जैसा हम सभी जानते हैं और हमने अपने, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में कभी ना कभी देखा ही है बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकली और इमोशनली चैलेंजिंग हो जाता है स्पेशली फॉर द फैमिलीज एंड अटेंडेंट्स उनको एड्रेस करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं आई एम वेरी क्यूरियस अभिषेक वी सी दैट इंडियन पेशेंट्स अमेरिकन या यूरोपियन पेशेंट के मुकाबले उनको बहुत कम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आर स्ट्रॉ फैमिली सपोर्ट सिस्टम मगर आई यूजिंग येटफॉर्म वन थिंग एट विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इसकी मैं अक्सर देखता हूँ कि पेशेंट के रिलेटिव मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई पेशेंट को मत बताना है कि उनको कैंसर हो गया है जी 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 मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई इसका तो उल्टा इफेक्ट होगा आपको क्या लगता है कि पेशेंट कैंसर अस्पताल आ रहा है उसको समझ में नहीं आया हुआ कि इसको कोई बड़ी बीमारी हुई है जी दिस एक्चुअली रिजल्ट इन कॉस्क्रेसी रिलेटि पेशेंट से बात नहीं करते पेशेंट रिलेटिव से बात नहीं करता और दोनों अपने अपनी स्पेस में घुट रहे हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो आ स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम प्लेज अ बिग रोल इन मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ साइकोलॉजिकल इशू फिर भी अगर किसी पेशेंट या रिलेटिव को डिप्रेशन होता है और या फिर कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करना एक और चैलेंज इन्हीं फैमिलीज का होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को लेके क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट इनएक्सपेंसिव तो नहीं होता तो क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स या प्लान्स हैं जिसके तहत आ, कम से कम बिलो पावर्टी लाइन लोगों को या लोअर इनकम ग्रुप्स को कुछ राहत दी जाती हो ये सब विषय कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है और अभी गरीब पेशेंट के लिए तो खास करिए ये इलाज जो है काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजिंग होता है बट थैंकफुली वी हैव सम स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर सेंटर्स इन द पब्लिक एम्स न्यू दिल्ली तो है ही इसके अलावा हर राज्य में एम्स खुल रहे है और इसके अपने कैंसर सेंटर हैं इसके अलावा रीजनल कैंसर सेंटर्स होते हैं टाटा मुंबई भी अपनी काफ़ी जगह खुल रहा है नया नया अभी बनारस में खुला नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी खुल रहा है तो ये सब तो है ही इसके अलावा कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब पेशेंट्स के लिए होते हैं उनका यूज करके कैंसर का ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर दिन फुल सेशन टुडे आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस आज बहुत सारी मिथ्स को बस्ट कर चुकी होंगी आपकी एडवाइस सुन के और, और ज्यादा जागरूक हुए होंगे स्पेशली आज के दिन जब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है uh,

ये थे डॉक्टर बाबुल बंसल एम्स न्यू डेली से हमें यकीन है की आज आपने फिर कुछ नया सीखा होगा और इस लर्निंग को यूज करके यू विल अनलॉक नेक्स्ट टाइम एंड